माई YouTube फैमिली, दिस इज रेडी। चूल्हा बंद होने वाला है। is getting ready for you, and of course Talib bhai, the best person to look after the complications and hisab kitab and all. Use it. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अपनी समधन के घर, गेस्ट हाउस से उठते ही आ जाती हूँ। आप लोगों ने पूछा है कि कौन सा गेस्ट हाउस है जहाँ मैं ठहरी हूँ, तो ये इस्लामाबाद G14 में है, गेटवे, द गेटवे इस्लामाबाद। आज हमारा प्लान जो है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है। आज मैं बना रही हूँ पेठा गोश्त और साथ में पराठे, और उसके बाद हम अपना गाने की महफिल करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी हम लोग मग़रिब तक करेंगे काम। अभी आपके ऑर्डर्स वगैरह सब तैयार हो रहे हैं और धनाधन ऑर्डर्स आ रहे हैं आप लोगों के, और जो लोग फर्स्ट टाइम ऑर्डर कर रहे हैं वो तो एक्सपीरियंस करेंगे इस प्रोडक्ट को, एंड इंशाल्लाह यू विल सी कि आपकी स्किन के प्रॉब्लम्स किस तरह से सॉल्व होते हैं, एंड यू विल हैव अ ग्लोई फ्लॉलेस स्किन। और जो लोग सेकेंड टाइम ऑर्डर कर रहे हैं तो उनको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं, ऑब्वियसली जब सेकेंड ऑर्डर है उनका तो दे नो ऑलरेडी कि प्रोडक्ट की वर्थ और इसकी इफ़ेक्टिवनेस क्या है। तो चलें बैक टू वर्क, एंड उसके बाद रात के मोमेंट्स आपसे शेयर करते हैं किस तरह आज हमने हल्ला गुल्ला करना है, क्योंकि आई एम गोइंग बैक टुमारो, तो आज का दिन ही है तो उसको ज़रा हंस खेल के गुजारें। निगत की बहनें भी हैं, भाई भी हैं, भांजी भी है, तो उनके साथ भी बड़ा मज़ा आया। कल भी हमारी गाने की महफिल चलती रही, देर तक बैठे बातें करते रहे, तो उसके बाद मैं सोने चली गई ब्रूनो को वॉक करा के, तो आज ज़रा प्रॉपर वाली महफिल है। ये आप लोगों के ऑर्डर्स हैं, सुबह का जो कोरियर शिपमेंट था वो चला गया, प्रॉबेबली इट विल रीच यू इन 2 डेज टाइम। इज गेटिंग रेडी फॉर यू। उमर इज टेकिंग केयर ऑफ द एडमिन साइड, एंड ऑफ कोर्स तालिब भाई, the best person to look after the complications and hisab kitab and all. nahi main udhar baithti hu, mujhe bataye wo flyers jo banane hain. पेठा हमने रखा है, इसको गर्म पानी में थोड़ा सा बॉईल करेंगे। पानी रेडी है, जब गोश्त गल जाएगा उसी वक्त बॉईल करके इसे डालेंगे।
अच्छा हर पंजाबी, हर रीजन के जो पंजाबी होते हैं ना, उनके अलग अलग डिशेज होती हैं। हाँ वहाँ के जो गुजरात लाहौर के हैं वो अलग हैं, कुछ जो गुजरात के गुजरांवाला के बिल्कुल पास है। उन्होंने कहा हमारे बच्चों को मैरिज करने डाले, मतलब उन्होंने एग्जाम क्लियर कर दिया है ना। हाँ उनको ले लो। अच्छा हाँ उसके नाम पे लिस्ट क्यों नहीं थी, इतने करीब से आया था। हाय आ गई सीईओ काम करके। कैसा रहा मैडम, मैंने सही काम किया था वो जो फ्लायर बनाए थे? थोड़ी कुछ गलत कर सकते हैं, क्यों नहीं, सिवाय पहली दफ़ा के। पहली दफ़ा क्या जो आपने इतने ऑर्डर ख़राब किए थे? शर्ट आप 2800 रुपये किलो, ये जी पेठे को हमने 2-3 उबाले देने हैं और ये इसकी छन्नी यहाँ तैयार है, इसमें छान लेंगे। गोश्त भी गलने वाला है, बस 3 मिनट रह गए और बस ये हमारी तैयारी पूरी है। इतनी देर में मैं धनिया, अदरक ये चीज़ें काट के रख लेती हूँ, हरी मिर्चें, ज़ाहिर है उस पर टॉपिंग अदरक की ज़रूरी है। हाँ वो पीछे वाला चूल्हा ले लो बस, वो टॉपिंग ज़रूरी है। और पानी ज़रूर पीना है आपने हर काम करते हुए, पानी ज़रूर पीना है आपने हर काम करते हुए, समझ आइए? अंडरस्टूड। अच्छा जी, गोश्त को 10 मिनट तेज़ आंच पे और 5 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने रख दिया है। और पेठा भी हमारा बॉयल हो गया, इसको छान देंगे और उसके बाद इसको देसी घी डालेंगे गोश्त में और उसमें भूनेंगे। ये बस 2 मिनट और एंड वी आर गुड। इधर मैडम अपने हस्बैंड के लिए लंच बना रही हैं रात के 8 बजे। सुगड़ बेटी मेरी, नाप तोल के डाइट के हिसाब से, क्या बात है। बाद गोश्त जो है तकरीबन 60% गल गए, इसके ऊपर डालो, इसके ऊपर से पूरा डाल दो, अच्छा लगेगा। और थोड़ा सा नमक मैंने चखा है वो कम है, इसलिए इसको इसी में बस इसको इतना ही बॉईल किया है कि ये खड़ा खड़ा भी रहे और थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। टू 33 ग्राम्स हम लेंगे देसी घी। पिट्ठे गोश्त का मज़ा ही ये है कि वो देसी घी में बने, वैसे तो हर खाना ही देसी घी में बने तो क्या बात है। देसी घी सबसे अच्छा फैट है जो हम अपने घर में खानों में यूज़ कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा ताकत होती है देसी घी में। देसी घी में गोश्त भूनते हैं, उसमें उबला हुआ पेठा डाला है, अब इसको इतना भूनेंगे कि पेठा घुल जाए। उसके बाद इस पे डालेंगे धनिया, अदरक और हरी मिर्च। और इधर पराठों का सामान रेडी है, साथ में बनाऊंगी मैं पराठे और पेठा। कोई 15 मिनट भूनने के बाद जी ये है सही शक्ल, पेठा भी थोड़ा भून गया है। बस वेट कर रहे हैं कि साइडों पे तरी निकलेगी तो फिर ये रेडी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी समधन इतनी अच्छी है, बच्चे इनके, बहनें के, इतनी मोहब्बत वही कर सकता है जिसका दिल अच्छा हो। और बस अल्लाह ताला का मैं शुक्र ही अदा नहीं कर सकती हूँ, जितना भी करूँ वो कम है कि अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों से हमारा वास्ता, हमारी निस्बत जोड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह।
मेरी जान का टुकड़ा, मेरी ठंडक। खाना पकाते हो गर्म ही होंगी, बर्फ पे थोड़ी बना रही। बस इसके साइडों से अब तरी निकलेगी तो इसका मतलब पक जाएगा। ये देखो अब निकलना शुरू हो गया। पेठा घुल गया। ओए होए, चलो टेबल पे बैठो, प्लेटें लगवा लो अनिया। ये देखिए जी, अब ये घी निकलना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि हमारा सालन बिल्कुल तैयारी हो है। अब मैं कटिंग शुरू कर रही हूँ। हरी मिर्चें, अदरक, धनिया और हरी मिर्चें। माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज रेडी। चूल्हा बंद होने वाला है टक। और अब मैं चढ़ाने वाली हूँ पराठे। ये है पेठा गोश्त, मेरी स्पेशलिटी। ये देखें साइडों पे घी निकला है। हालांकि मैंने इतना घी नहीं डाला था, लेकिन सीक्रेट ये है कि आप इसे इतना भूनें कि साइडों पे घी निकल आए। अब मैं चॉपिंग करने लगी हूँ अदरक की। मेरी सालन बन गया, मैंने समधन को लगाया है अदरक काटने पे, बाकी जो बच गई थी। और मैं अब पराठों पर लग रही हूँ। और ये लोग खाली पेट घूम रहे हैं बेचारे पेठा गोश्त के इंतजार। देखे तो सही, चख तो लें। हाँ, मुझे अभी निगत ने बताया है बहुत जबरदस्त बना है। आ जाते हैं हम। इसमें से घी गिर रहा है, ये शायद लीक कर रहा है। प्लेट रखती हूँ नीचे। ऐसे में छुरी मारती हूँ। मैं ही तोड़ रही थी वैसे छुरी से, हो सकता है मुझे। इसको भी मैं ज़ाया नहीं करूँगी। आई विल यूज इट। हाँ, क्या पराठे लग रहे हैं। मैं अभी इनको यही बता रही थी अपनी यूट्यूब फैमिली को कि माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा लगता है। निगहत, तालिब भाई, उमर, हमना, हमज़ा, तुम लोगों का पैर हो ही। बट ये है कि मुझे लगता ही नहीं है कि मैं अपने समझाने में आ गई हूँ। वो वाली फीलिंग ही नहीं मिलती कि एक मिनट के लिए कोई ये सोचे हाय हाय फिर आ गई, हाय हाय। भाई क्या जीता है मैच ऑस्ट्रेलिया। उफ, एंड दिस मैन। हाईएस्ट वन डे to make a partnership in one day internationals, and here is the winning moment. Last check. He actually did move his feet ever so slowly. Oof. Into Maxwell's power. Crazy. He's the most entertaining match ever. Maxwell was great. जी बेटा मैं जी जनाब मैं यहाँ इतने का ही हूँ। हमना की बर्थडे गुजरी है, उसके लिए जोड़ा लेने। तो आई एम लुकिंग फॉर समथिंग रियली नाइस। मुझे एक तो ये बहुत अच्छा लग गया जो मैंने ईमान के और नबिया के लिए भी लिया है। और एक ये मैंने अपने लिए लिए रखे। हम वो ब्लैक पहने, मैं वाइट। अच्छा भी लगेगा। वैसे भी शी कैन गेट इट चेंज्ड इफ शी डजंट लाइक। एक जोड़ा घूम गया जो मैं ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ गया। अन्या को दिखाना है। दैट इज नाइस। मेरे माये जिन्ना सोना ना कोई है ना कोई होना, जे ओ पित्तल ते मैं सोना बाखुदा। ऐसे करती है ना तो बिल्कुल वैसी लगती है जैसी 2.5 साल की थी ना। यखनी बस बना के जमा के रखी हुई है। ममली के लिए रखी होगी। नहीं, ममली की नहीं है वो। उस दिन मैं अभी अगर 5 मिनट निगत ना आती ना तो यखनी के पराठे बनते। यखनी के पराठे बनते और यखनी डलती पेठा गोश्त। खुशी कैटी खाती फिर वो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी। आज मेरी वापसी है टू कराची। आवाज़ ऐसी हो रही है, नींद पूरी नहीं हुई बिकॉज हम लोग कोई 3:30-4 बजे आए हैं। हमजा और अनिया ने मुझे छोड़ा है और उसके बाद फिर जाहिर है नमाज़ तो खैर मैंने पढ़ ली थी। 1 घंटा तो लग ही जाता है सोते सोते। वीडियो एडिट करनी थी वो करते हुए, फिर कुछ मैसेजेस थे, ईमेल्स थी वो चेक करके। देन आई स्लेप्ट अराउंड 4:30 और 7:30 मैं का अलार्म था तो मैं 5 मिनट पहले उठ गई। तो अभी बस ये अंडा स्लाइस और चाय पी के
अनिया और हमजा का वेट कर रही हूँ. वो लोग आएंगे तो हम निकलेंगे. नो दैट्स नॉट देम. आई फील सो बैड फॉर देम ऑल्सो. मैं जल्दी की फ़्लाइट लेती नहीं हूँ, लेकिन मैंने सोचा बच्चों के स्कूल से आने से पहले मैं घर पहुँच जाऊँगी. तो बट आई नो इट्स वेरी डिस्टर्बिंग फॉर देम कि सुबह सुबह उठ के और इतना जल्दी उठ के फिर मुझे छोड़ के फिर वापस आना, फिर सोना, फिर उनकी सारी बनी बनाई रूटीन जो है ना वापस से डिस्टर्ब हो जाएगी. चलें, इट हैपन्स समटाइम्स. तो चलें जी, आई एम रेडी. डोंट लुक रेडी बट येस आई एम. और बस निकलते हैं, एयरपोर्ट चलते हैं, वहाँ से फिर कराची. इंशाल्लाह खैर आफियत से पहुँचे तो मुलाकात होगी. मेरे बच्चे इतनी नींद में आए हैं, आज इनकी सारी रूटीन डिस्टर्ब हो गई. पता नहीं मैंने क्यों ले ली ये फ़्लाइट, शायद इसलिए कि कराची में पूरा दिन मिल जाए. तो अगर मैं 1 बजे की लेती तो भी सही था, है ना अनिया? बट मौसम बड़ा मज़े का है, ठंडा ठंडा, और इतने सारे फ्लैट, वो जगह तो बिल्कुल कराची लग रही है. हमजा उसमें जो मज़ा आता है बैठने का, हाँ माँ याद आती है मुझे. रिस्पॉन्सिबल किड्स, क्या बात है. डिपार्चर्स में जाना है. वेट वेट, मेरा स्लीपी बेबी. हाँ अब तो बक्सा है तो बुलाना पड़ेगा. बताइएगा मुझे सामान का वेट करेंगे. माय बेबी स्लीपी बेबी. चलो अब इस बेबी को सुलाती हुई ले जाओ साइड पे. Okay. ठीक है, बल्कि क्यों रुक रहे हो? ठीक होगा इंशाल्लाह. बता दीजिएगा, हम अब इतनी देर तक तो यहीं पहुंचेंगे, फिर वहीं से चलो. ओके okay. okay. okay, अल्लाह हाफिज़. लेके निकालता था ऐसा लगता है बकरियों का बेड़ा लेके निकल रहा है.